आज मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेद की कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जो कि अवलेह और ग्रत के रूप में आती हैं और ये स्पेशली पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रिया रोहल आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आप देख रहे हैं गायनी आयुर्वेदा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये अवलेह होता क्या है। ये बिल्कुल च्यवनप्राश के जैसा ही होता है, बस औषधियां अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरह के अवलेह में डाली जाती हैं। और जो ग्रत है ये भी बेसिकली घी ही है, लेकिन इसको आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध करके बनाया जाता है। पीसीओडी की बीमारी के लिए जो टैबलेट और सिरप फॉर्म की औषधियां हैं उनके बारे की डिटेल की वीडियो मैं पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सारी मेडिसिन कॉम्बिनेशन मिलेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक औषधियां आपको अपनी प्रकृति के अनुसार ही लेनी चाहिए। इसके लिए आप या तो अपने डॉक्टर से अपना पूरा ट्रीटमेंट प्लान बनवाएं, और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी और वेबसाइट का भी, आप वहां पर क्लिक करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो अवलेह करके जो औषधि है इसमें सबसे अच्छा जो वर्क करता है पीसीओडी की बीमारी में उसका नाम है मणिभद्र अवलेह, और नंबर दो पे है कल्याणक कुलम अवलेह। इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस बीमारी। अब बात करते हैं ग्रत की। ऐसे कौन से ग्रत हैं जो आपको इस बीमारी में हेल्प करेंगे? उनमें सबसे पहला नाम आता है वरणादि ग्रत का, और नंबर दो पे है शतावरी ग्रत। ये दोनों ही ग्रत बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बस थोड़ा प्रकृति का देखना होता है, अदरवाइज रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इनका। ये जो मैंने तीन वीडियो बनाई है आपके लिए, टैबलेट फॉर्म की ट्रीटमेंट की वीडियो और सिरप फॉर्म की और आज ही अवलेह और ग्रत की, इसके बाद में मैं आपको इनका जो डिटेल्ड की वीडियो है इन मेडिसिन की उसके बारे में डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। ये सभी औषधियां अगर आप कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ये आपको पीसीओडी को जो है फाइट करने में बहुत हेल्प करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thank you for watching. Bye.